Good morning, students. Today I will discuss before you the decline of Spain. France का उत्कर्ष कैसे हुआ, जिसमें राजा चार्ल्स पंचम का साम्राज्य विस्तार में क्या योगदान था, एवं चार्ल्स पंचम के पश्चात फिलिप द्वितीय का शासन एवं चार्ल्स द्वितीय का शासन का क्या योगदान था, इन सबके पश्चात जो स्पेन का शासन पूरे विश्व में अत्यंत उत्कर्ष की अवस्था में पहुंच गया था, उसमें कुछ ऐसी कमियां आ गई थी जिसके पश्चात फ्रांस का स्पेन का पतन भी हुआ, डिक्लाइन ऑफ स्पेन। स्पेन का पतन, स्पेन का पतन। पंद्रह सौ 1598 में फिलिप द्वितीय का शासन अत्यंत महत्वपूर्ण था। स्पेन के साम्राज्य में शासकों का बहुत बड़ा योगदान था, शासकों के सुधारों का बहुत बड़ा योगदान था। इस तरह से स्पेनिश शासन ने राजा फिलिप द्वितीय तथा अन्य शासकों के समय में शिक्षा, साहित्य, संस्कृति तथा कला का बहुत अच्छे तरीके से विकास हुआ। लेकिन कुछ ऐसे प्रमुख कारण थे जिसके द्वारा स्पेन पतन की ओर पतनोन्मुख हो गया, स्पेन का शासन। तो व्हाट वाज द काजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्पेन, वी विल डिस्कस हियर। स्पेन के पतन का क्या कारण था, हम यहाँ पर आप इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम नीदरलैंड का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड का विद्रोह। नीदरलैंड का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड का विद्रोह पहला कारण, क्योंकि राजा फिलिप द्वितीय एक अत्यंत ही निरंकुश शासक था, जिसने प्रजा के हित को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा। यद्यपि सम्राट चार्ल्स पंचम नीदरलैंड का निवासी होने के साथ साथ उसको वहां की प्रजा बहुत आदर सम्मान की दृष्टि से देखती थी, और वो प्रजा के प्रति उदारपूर्ण व्यवहार करता था। तो प्रजा अनेक कठोर नीति नियम बनाने के बावजूद भी प्रजा उसके प्रति स्वामीभक्त थी। लेकिन राजा फिलिप द्वितीय ने आर्थिक सुधारों के लिए कर का अतिरिक्त बोझ बढ़ा दिया, क्योंकि स्पेन
में जो है कि आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्पेन में करों की वृद्धि की गई। करों की वृद्धि इसलिए की गई ताकि स्पेन की स्थिति अच्छी रहे, लेकिन करों को वसूलने के लिए ड्यूक ऑफ अल्वा के नेतृत्व में जो है एक अभियान चलाया गया जिसमें करों का आर्थिक बोझ स्पेन वासियों पर काफी पड़ा और जो शासक के प्रति बड़ी ही अच्छी भावना रखते थे चार्ल्स पंचम, क्योंकि उदार था, जनता के साथ उसकी सहभागिता थी, जनता और राजा के बीच सामंजस्य साबित करके रहता था, लेकिन राजा फिलिप का शासन आते आते राजा फिलिप ने जनता के साथ उदार बर्ताव नहीं किया क्योंकि उसे व्यवहारिक अनुभव नहीं था। वह कर की उगाही जनता पर, आर्थिक स्थिति को संभालने की जनता पर अनेक करों का अधिरोपण किया करता था, अनेक करों का अधिरोपण किया जिससे जनता को बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने राजा फिलिप द्वितीय के शासन से असंतुष्ट होकर विद्रोह कर दिया, तो नीदरलैंड का विद्रोह जो है स्पेन के पतन का प्रमुख कारण था, पहला। दूसरा है आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिकल। दूसरा है आर्थिक व्यवस्था, इंग्लैंड में स्पेन की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी। कारण यह था कि वहां पर राजा तथा उसके जो भी अनुयायी थे, मीन्स राज शासन ऐश्वर्य से जीवन व्यतीत करता था और यहां तक कि धन का दुरुपयोग भी राजशाही के द्वारा किया जा रहा था। राजा चार्ल्स पंचम ने अत्यंत सूझबूझ का परिचय, जिस सूझबूझ का परिचय दिया था, करों का अतिरिक्त बोझ लगाने पर भी जनता ने राजा का साथ दिया, लेकिन राजा फिलिप द्वितीय का शासन आते आते यहां पर जो भी राजस्व प्राप्त होते थे वह जो है राजा के ऐश्वर्य पर खर्च कर दिया जाता था। इस तरह से आर्थिक व्यवस्था बड़ी दुर्बल हो गई थी। इस तरह से स्पेन वासियों पर जो करों का अतिरिक्त कर लगाए गए, उन करों को देने में जनता अपने को असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि युद्धों में व्यस्तता तथा वैभवशाली रहन सहन ने देश की स्थिति काफी खराब कर दी। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण लोगों में विद्रोह की भावना का जागरण हुआ।
और चूंकि जो कृषि थी जो है उच्च वर्ग के लोगों में थी, चूंकि ज्यादा से ज्यादा कृषि का पर अधिकार ज्यादा से ज्यादा उच्च वर्ग के लोगों का था और इन उच्च वर्ग के लोगों के अलावा जनता में कृषि बहुत कम नहीं थी, अर्थात जनता के पास खेती योग्य भूमियां बहुत कम थी। इस तरह से जनता को कृषि से कोई आय नहीं होती थी और कुछ सामान्य सीमित व्यक्तियों में ही, उच्च वर्ग के लोगों में ही कृषि निर्भर होने के कारण जनता ने वहां पर में आक्रोश जाता था। और इसके बाद इसके साथ ही साथ स्पेन की स्थिति अच्छी न होने के कारण जो अन्य अधिक कर लगाए गए उनके कारण भी जनता ने वहां पर विद्रोह किया, जो कि स्पेन की के पतन का कारण बना। तीसरा है जो है तीसरा कारण है राजाओं के प्रति विद्रोह, राजाओं के प्रति विद्रोह, क्योंकि चास पंचम के बारे में कहा जाता है कि वह एक सैनिक एवं राजा भी था। चास फिलिप द्वितीय के बारे में कहा जाता है, राजा फिलिप द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि वह केवल एक राजा था तथा फिलिप तृतीय और चतुर्थ के बारे में कहा जाता है कि इनमें न तो उदारता थी न ही कोई राजा का गुण था। और फिलिप द्वितीय चार्ल्स द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि यह एक अयोग्य शासक था। इस तरह से राजा का जनता के प्रति जो विश्वास था वो उठ चुका था, क्योंकि प्रोटेस्टेंटवादियों का जो प्रोटेस्टेंटवादी थे जिनका की प्रभुत्व विश्व के अनेक देशों में था, वहां पर उन्होंने कैथोलिकों के प्रति विद्रोह किया, क्योंकि प्रोटेस्टेंटवादियों का प्रभाव नीदरलैंड में काफी था और उस नीदरलैंड में कैथोलिक चर्च का विरोध करने के कारण राजाओं द्वारा दमनात्मक नीति अपनाई गई, जिसमें सम्राट चार्ल्स पंचम ने भी प्रोटेस्टेंटवादियों के विरुद्ध दमनात्मक नीति अपनाई तथा फिलिप द्वितीय भी प्रोटेस्टेंटवादियों का दमन करने के लिए ड्यूक ऑफ अल्वा के नेतृत्व में एक जो है सैनिक संगठन तैयार किया। इस तरह से प्रोटेस्टेंटवादियों का दमन किया गया, जिसके के द्वारा स्पेन का पतन होना स्वाभाविक था, क्योंकि जनता में असंतोष व्याप्त हो गया था। राजा के प्रति उनका कोई विशेष लगाव नहीं था,
साथ ही साथ स्पेन का साम्राज्य अत्यधिक विशाल होने के कारण अधिक धन राजकोष से खर्च किया जाता था, जिसमें आय की मात्रा आय कम होती थी और राजाओं के द्वारा धन का दुरुपयोग बराबर किया गया। इस तरह से जनता ने राजाओं के प्रति विद्रोह की नीति अपनाई। इस तरह से जो स्पेन का शासन था, यहां पर जो है जनता, यहां की जनता ने काफी राजाओं का विरोध किया और दमनात्मक नीति के कारण जो है स्पेन का पतन होना स्वाभाविक था, क्योंकि इंग्लैंड जैसे राज्यों का उत्कर्ष ने जो है स्पेन के पतन में काफी योगदान प्रस्तुत किया। उधर पुर्तगालियों का शासन जो था, क्योंकि वैवाहिक संबंध के द्वारा चार्ल्स पंचम ने पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया था, लेकिन फिलिप द्वितीय के समय तक पुर्तगाल ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो जो आय प्राप्त होती थी, धीरे धीरे आय अर्थव्यवस्था सीमित हो गई और पुर्तगाल पर अधिकार में स्पेन के विरुद्ध इंग्लैंड तथा अमेरिका ने भी साथ दिया। इस तरह से फ्रांस था इंग्लैंड के द्वारा स्पेन के विरुद्ध विद्रोह किया गया। क्योंकि राजा फिलिप द्वितीय जो है अनेक समय तक समुद्री युद्धों में व्यस्त था, इसके लिए इन्होंने एक जहाजी बेड़े का गठन किया और इंग्लैंड फ्रांस जैसे युद्धों में बराबर व्यस्त रहा। लेकिन कुछ समय के पश्चात फ्रांस इंग्लैंड के सम्मिलित प्रयास से स्पेन के जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया गया। इस तरह से स्पेन के शासन को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखना जो है बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि चार्ल्स पंचम के बाद राजा फिलिप एवं फिलिप द्वितीय एवं फिलिप तृतीय चतुर्थ का शासन, इसके बाद सम्राट चार्ल्स द्वितीय का शासन आया, लेकिन राज्य की व्यवस्था समुचित नहीं थी, क्योंकि नीदरलैंड 17 प्रांतों में विभाजित था। वहां की भिन्न भाषा, भिन्न तरह के रहने वाले लोग थे, तो हैब्सबर्गी शासन जो कि अत्यंत विशाल था, जिसमें राजा के प्रति जो समान भावना होनी चाहिए थी, राजा ने सबको संगठित करने का प्रयास नहीं किया और इस तरह से समान व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जिस तरह से जहां कोई वैमनस्य का भेदभाव था, वैमनस्य था, उसको समाप्त करने की कोशिश की गई। इस तरह से विशाल साम्राज्य जो था वह भी स्पेन के पतन का कारण बना।
क्योंकि विशाल साम्राज्य होने के नाते नीदरलैंड, स्पेन, नेपल, सिसली, सार्डिनिया इत्यादि अनेक राष्ट्र जो है स्पेन के शासन के अंतर्गत थे, और अमेरिका के खोज ने भी जो है शासन अमेरिका के खोज ने भी जो है शासन में एक बहुत बड़ा योगदान प्रस्तुत किया। यद्यपि स्पेन के द्वारा ही अमेरिका खोज की गई, लेकिन बहुत दिन तक अच्छा संबंध नहीं रह सका। यद्यपि साहित्य संगीत कला का भी काफ़ी क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन जो है इसके बावजूद भी अन्य अनेक राष्ट्रों का अभ्युदय हुआ, जिसके कारण स्पेन अत्यंत पतनोन्मुख अवस्था में पहुंच गया। इस तरह से सम्राट चार्ल्स इस प्रकार से स्पेन के शासन में ऐसे कुछ कारण थे जिसके कारण स्पेन का पतन हुआ। थैंक यू वेरी मच। टुमारो आई विल डिलीवर द नेक्स्ट पिक्चर अगेन।